जिले से चंदला विधानसभा से भाजपा विधायक राजेश प्रजापति ने पैरई रेत खदान में चल रहे अवैध उत्खनन को रोकने के लिए पहुंचे और चल रही 4 LNT मशीन और 4 ट्रकों को रोका। चंदला विधानसभा के विधायक राजेश प्रजापति ने आरोप लगाते हुए कहा है कि गुलाब यादव कांग्रेस कार्यकारी जिला अध्यक्ष और राजकुमार पटेल लंबे समय से अवैध उत्खनन करते आ रहे हैं। अभी पिछले दिनों यहां फायरिंग भी की गई थी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के दबाव के चलते इस घटना को दबा दिया गया और लगातार मेरी विधानसभा में उत्खनन किया जा रहा है, लेकिन कुछ भी हो मैं क्षेत्र में अवैध उत्खनन को नहीं होने दूंगा। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष गुलाब यादव पेरई खदान पर नजर आ रहे हैं। बता दें कि 6 सेकंड वाले वीडियो में राजकुमार पटेल जो अभी कांग्रेस जिला महामंत्री बनाए गए हैं, साथ ही जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष गुलाब यादव कैमरा बंद करने को कह रहे हैं। मामले पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज त्रिवेदी का कहना है कि भाजपा अपने राजधर्म का पालन कर रही है और विपक्ष की भूमिका निभा रही है। सारे आरोप गलत हैं। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। आरोप लगाना आसान है, लेकिन सिद्ध करना बहुत मुश्किल। मामले पर कलेक्टर मोहित बुंदस से बात की गई तो वह चुप्पी साध गए, मामले पर ज्यादा कुछ ना कह सके, जिससे साफ जाहिर होता है कि मामले में सभी संलिप्त हैं। बता दें कि सरकार तो बदल गई है पर भ्रष्टाचार चरम पर। सोचा था कि सुधार होगा पर यहाँ सुधार की गुंजाइश ही नहीं है। जब सरकार और पार्टी के नुमाइंदे ही इसमें लगे हैं तो भला कैसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। मामला चाहे जो भी हो पर इतना तो तय है कि भ्रष्टाचार की जो इबारत लिखी जा रही है उसे बदला नहीं जा सकता। परई ये एक ग्राम है जो मेरे क्षेत्र ग्वालियर थाने में आता है, थाने के अंतर्गत है। वहाँ पे गांव में गया, कोई भी खदान संचालित नहीं है, न पंचायत की संचालित है। वहाँ पे अवैध उत्खनन हो रहा था परई ग्राम में। उस ग्राम में मैं जैसे ही पहुँचा हूँ वैसे ही लोगों ने शिकायत भी मुझसे की है कि यहाँ पे अवैध उत्खनन हो रहा है, विधायक जी आप कुछ कर नहीं रहे हैं। तो मैं वहाँ पे गया, देखा कि वहाँ पे LNT 4 LNT चल रही थी और 4-5 ट्रक खड़े हुए थे, वो भर रहे थे। वहाँ पे कांग्रेस कमेटी के जिला के कार्यकारी अध्यक्ष गुलाब यादव जी थे और वहाँ पे राजकुमार पटेल जो महामंत्री अभी अभी बनाए गए हैं कांग्रेस कमेटी द्वारा जिले के, वो थे। दोनों का वीडियो भी आया है। वहाँ के लोगों को धौंस दी जा रही है कि बीजेपी का विधायक हमारा क्या कर लेगा। हमारे पास में जिले के विधायक बैठे हुए हैं साथ में, माननीय आलोक चतुर्वेदी जी का एक स्टेटमेंट आया था कि बाप बेटे चोरी कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं। अब क्या स्टेटमेंट वो देंगे, अब वो कांग्रेस के विधायक हैं, वो क्या स्टेटमेंट देंगे अपने जिला के कार्यकारी अध्यक्ष और महामंत्री के खिलाफ कि उनको सबूत रंगे हाथ पकड़ा गया है। अब क्या बताएंगे कि कांग्रेस अपने वचन पत्र से भटक चुकी है, पूरी तरीके से भटक गई है। जो वचन पत्र उन्होंने दिया था कि किसानों का हम हित करेंगे, वो किसानों का नुकसान कर रहे हैं। वहां पे सब्जी बगल में बोए हुए हैं, सबकी उजाड़ दी है केवटों की, अब क्या करेंगे वो किसान। पूरी तरीके से कांग्रेस लगी हुई है और माननीय आलोक चतुर्वेदी जी का धौंस देते हैं वहां पे गांव में कि हमारे साथ में ऐसा शक्तिशाली विधायक है जो खनिज का काम करता आया है और खनिज का काम डिजियाना कंपनी से मिलकर करता आया, डिजियाना के लोग भी वहां थे। तो पूरी तरीके से संलिप्त हैं ये लोग,
अब पूरी तरीके से एक कमेटी बना के काम कर रहे हैं, पूरे मेरे क्षेत्र में कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि शासन प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई करे, नहीं तो हम यहां पे धरने अनशन में बैठेंगे। देखिए आज वो जो कर रहे हैं ये उनका धर्म है, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप पुराने उसमें जाएंगे तो जब वो विधायक थे, उनकी सरकार थी, तब भी वो ये इस प्रकार की मनगणंत आरोप लगाया करते थे जबकि उनकी सरकार थी। आज वो कह रहे हैं, वो हमें सिद्ध करें कि कहाँ पर कांग्रेसी कहाँ पर उसमें इन्वॉल्व है, कुछ हमको जानकारियाँ दें। बोलते हैं सिंडिकेट बन गया है, सिंडिकेट बन गया, सिंडिकेट माफिया की भाषा है। हम कांग्रेस जन में कोई भी ऐसी सिंडिकेट या माफिया जैसी बातें नहीं होती हैं। उनको आज वो आरोप जो लगा रहे हैं वो अपने राजधर्म का पालन कर रहे हैं, विपक्ष में हैं तो आज उनको लगाना चाहिए। लेकिन पहले उनको ये देखना चाहिए, जब वो पक्ष में थे, सत्ता पक्ष में थे, तो उन्होंने मतलब इस्तीफे तक की धमकी दी थी और सरकार के खिलाफ में आंदोलन करा था। अब आप उनकी कथनी करने से खुद समझ सकते हैं कि वो सही है या हम सही हैं।